बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो माँ बाप अपनी बेटी को देना चाहते हैं वो उनका हक है, जो बहन अपनी विरासत लेना चाहती है वो उसका हक है, मगर जो शौहर अपनी बीवी से फ्रिज, टीवी, टेलीफोन और वगैरह चीज़ें मंगवाना मानना चाहता है वो उसका हक नहीं है। हमारी औरतें खुद काबिल हैं और अपने आप को काबिल करना चाहती हैं, और उनके माँ बाप के ऊपर फ़र्ज़ है कि आप अपनी औरतों को आगे बढ़ाएं, उनको इलम दें, उनको खुददारी दें। और ये जो फरोख्त है औरतों की, जिससे आप जहेज से अपनी बेटों को आगे बढ़ाते हैं, वो बंद कीजिए। हमारी औरतें माशाल्लाह पाकिस्तान की बहुत अच्छी हैं और बहुत काबिल हैं, और ये जो जहेज का ये एक रिवाज चल रहा है, ये औरतों के लिए भी और माँ बाप के लिए बहुत भारी बोझ है। बेटियाँ पैदा होती हैं और पहली चीज़ माँ बाप घबराते हैं कि इनकी हम शादियाँ कैसे करेंगे, हम इनका जहेज कैसे पूरा करेंगे। और मर्दों को भी कुछ खुददारी रखनी चाहिए। ये जो फरोख्त होता है औरतों के लिए कि क्या ला रही है, बहू क्या ला रही है, बीवी क्या ला रही है, ये कहानी ख़त्म होनी चाहिए। ये पुराना और बहुत ख़राब रिवाज है, इसको आप ख़त्म करें, अपनी औरतों को आगे बढ़ाएं, उनको काबिल कीजिए। और ये अपनी औरतों के ऊपर आप एक डिग्रेड कर रही हैं औरतों को, जैसे आप उनको कम तर समझ रहे हैं, जो आप औरतों की शादियां पैसे और जेवर और टीवी और फ्रिज के तहत करते हैं। तो ये कहानी ख़त्म करें, और हुकूमत पाकिस्तान आपका साथ देगा। हुकूमत पाकिस्तान चाहता है कि इसकी औरतें आगे बढ़ें और इनकी अपनी एक इंडिपेंडेंस हो और एक इज्जत से आपकी औरत, आपकी बेटी की शादी हो।